हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए प्लान तैयार। नवाज शरीफ की सजा कलदम करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। अदालत में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के हक में फैसले को बुनियाद बनाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग की तंजीम साजी और पार्टी क़यादत से मुतल्लिक भी अहम फैसलों का इम्कान है। सबक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए प्लान तैयार किया गया है, जिस पर नवाज शरीफ की सजा का लदम करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा और अदालत में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के हक में फैसले को बुनियाद बनाया जाएगा। आपको बताते चलें, नून लीग की तंजीम साजी और पार्टी की आदत से मुतल्लिक भी अहम फैसलों का इम्कान है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अदालत में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के हक में फैसले को बुनियाद बनाया जाएगा। इस पर बात कर लेते हैं सलमान तारिक से। सलमान, नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए प्लान तैयार किया गया है, क्या तफसीलात है इस मुतालिक? जी, फजल मोहम्मद शहबाज शरीफ की जिला सदारत मुस्लिम फोन के आला सतह इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए का फैसला कर लिया गया है और फैसला किया गया कि नवाज शरीफ वतन वापसी की तारीख का जो ऐलान है वो लदन से होगा और नवाज शरीफ की सजा का लदन कराने के लिए हाई कोर्ट से जो है वो फैसला चैलेंज किया जाएगा सजा के खिलाफ। जबकि नवाज शरीफ को मरीम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बुनियाद बनाया जाएगा इस मशीन को चैलेंज करते हुए। इजलास में मजीद तय किया कि नवाज की सजा के फैसले को गलत कराने के अक्षर से कंपनी महाजन ने अपनी राय भी की है और नून लीग की जानेब से रास्ता आवाम में पंजाब के लोग में जल्द से रखे जाएंगे। इस इजलास में यकीन किया गया कि मोदी का रवाना पार्टी से बात कराने का भी कराए जाएंगे और साथ ही पार्टी के अध्यक्ष के हवाले से भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। अच्छा सलमान, ये भी बताएगा कि नून लीग की तंजीम साजी और पार्टी की आदत से मुतालिक भी अहम फैसलों का इम्कान है, तो क्या फैसले मतवके हैं? सलमान से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है और नवाज शरीफ की सजा कलदम करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा, जबकि अदालत में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हक में फैसले को बुनियाद बनाया जाएगा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है।